दरभंगा में 4 माह के बाद कब्रिस्तान में जेसीबी लगाकर निकाली गई शव, वहीं मृतका के भाई ने जहर देकर मारने का लगाया था आरोप। जी हां, बिहार के दरभंगा जिला के बड़गांव ओपी थाना क्षेत्र के अहिष्टी गांव में कोर्ट के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट के तैनाती में जेसीबी से खुदाई के बाद सबको 4 महीने के बाद कब्र से निकाला गया। हालांकि ठीक ही दर्जी से देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट गई। दरअसल मृतका के भाई ने बड़गांव ओपी थाना में आवेदन देकर जहर खिलाकर हत्या कर देने की प्राथमिकी दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसे देखते हुए न्यायालय के आदेश के बाद आज कब्र से सबको निकाला गया। हालांकि ठीक इधर सितंबर 2023 में रोजी परवीन की मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने मायके वाले को बिना सूचना दिए उसे दफना दिया था, जिसके बाद उसे राज्य में रह रहे उसके भाई को इस बात की जानकारी मिली तो उसने हत्या का मामला थाने में दर्ज कराया था। आवेदन के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और मृतका के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं मृतका के भाई ने लिखी शिकायत में उसके पति के अलावा 5 अन्य लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने कबूल किया था कि जहर दिया गया था, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए कब्र से सबको बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। तो आदेश पर सीओ को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। वहीं बुधवार को बड़गांव ओपी पुलिस की मौजूदगी में कब्र को जेसीबी से खोदकर सबको बाहर निकाला गया, जिसके बाद मौजूद मजिस्ट्रेट की निगरानी में सबको पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया। इस बाबत बड़गांव ओपी प्रभारी कल्पना कुमारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सबको कब्र से बाहर निकाला गया है, सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे DMCH भेज दिया गया है तथा अगतर कार्रवाई की जा रही है। कुदाल तो वहाँ है, कुदाल गाड़ी पर, कुदाल मैं ना पूर्व उसका देहांत हो गया था, जिसके कारण उसमें आशंका उसका भाई जाहिर किया कि उसको मार दिया गया है जहर खिला के। अब उसका पोस्टमार्टम पुष्टि होगा, न्यायालय का आदेश हुआ, आज उखाड़ा गया, लाश ले गया है। अच्छा, क्या नाम था लड़की का? रोजी परवीन नाम था। क्या मतलब उनके भाई के द्वारा आवेदन दिया गया था, क्या कुछ कहा गया था? उनके भाई के द्वारा दिया गया था कि इस तरह का मामला है, उस टाइम में पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था किसी कारण, बस शंका में था। फिर लड़का का बयान वीडियो आया कि जहर खिला के मार दिए हम लोग, तो इसी आधार पे आज पोस्टमार्टम होने गया है, न्यायालय का आदेश आया है। उसी आदेश में कब्र खोद के आज जी उसी आदेश में फिर कब्र खोद के वहाँ से लाश ले गया है, मजिस्ट्रेट बहाली हुआ था, इसी तरह ले गया था।